बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान छीना मनकेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज की वीडियो में रिपोर्टिंग ऑफिसर ने ECR की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर टीचर की एवेल्यूशन कैसे ऐड करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर ने ECR की पेन पिक्चर और काउंसलिंग कैसे करनी है और दूसरे रिपोर्टिंग ऑफिसर को ECR कैसे फॉरवर्ड की जाएंगी, इसके बारे में बताने वाला हूँ। रिपोर्टिंग ऑफिसर ने सबसे पहले अपना HRMS खोल लेना है। डैशबोर्ड के बाएं तरफ एक कॉलम है, यहाँ ACR PR पे क्लिक करना है। इसके नीचे रिपोर्टिंग ऑफिसर है, फिर इस पे क्लिक करना है। अगले पेज में टीचर्स की ACR सामने आ जाएंगी। अगर आपके सामने ऐड एवेल्यूशन फॉरवर्ड एवेल्यूशन का ऑप्शन ना आए तो आपने स्क्रीन को जूम आउट कर लेना है। ACR लिखने के लिए आपने ऐड एवेल्यूशन पे क्लिक करना है। अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा टीचर है जिसकी ACR दूसरे रिपोर्टिंग ऑफिसर ने लिखनी है तो आपने फॉरवर्ड एवेल्यूशन पे क्लिक करना है। अगले पेज में आपने सबसे नीचे आना है, यहाँ सर्च ऑफिसर का ऑप्शन है। आप यहाँ रिपोर्टिंग ऑफिसर के शनाख्ती कार्ड या नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप रिपोर्टिंग ऑफिसर का शनाख्ती कार्ड या नाम लिखेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो मुतलका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके सामने आ जाएगा। उसी नाम पे क्लिक करेंगे तो टीचर की ACR फॉरवर्ड हो जाएगी।